नमस्कार, मी दीताली. नमस्कार, मी किरण. इंडिया टीव्ही न्यूजच्या बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत. पाहूया शहरातील काही ठळक घडामोडी. समाजसेवक आसिफ खान हे समाजातील लोकांना निवांतपणा मनोरंजन मिळवण्यासाठी पत्रकार आरिफ हसुमी यांच्यासोबत एक मनोरंजनात्मक चित्रपट बनवत आहेत. रोज दैनंदिनी धगाधगी जीवन जगत असताना माणूस मनोरंजनासाठी काहीतरी शोधत असतो आणि चित्रपट हे दृकश्राव्य माध्यम असल्याने माणसं लगेचच त्याकडे वळतात. हे लक्षात ठेवून आसिफ खान यांनी चित्रपटातून लोकांचे मनोरंजन करायचे ठरवले. या चित्रपटात अभिनेत्री श्रद्धा कपूर असून या चित्रपटाला आमिर खान आणि संजय दत्त सहकार्य आहे. या चित्रपटातून नवीन लोकांना संधी देण्यात येणार असल्याचं आसिफ खान यांनी सांगितलं. चित्रपटाचं शूटिंग पुढच्या महिन्यात सुरू होईल असंही यावेळी ते म्हणाले. पत्रकार आरिफ हसुमी है और मैं पहली मूवी जुल्म बनाने जा रहा हूँ जिसकी पहली शूटिंग भोपाल में होगी और इस फिल्म के माध्यम से मैं समाज में एक अच्छा से अच्छा मैसेज छोड़ना चाहता हूँ जो भारत में अमन शांति और भाईचारा का एक पैगाम दे. और हमारी फिल्में में बहुत सारी बातें होंगी क्योंकि हमारा पहला इंटरव्यू है उस ताल्लुक से, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा. मगर मैं दर्शकों से इतना ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दर्दमंदाना अपील करना चाहूँगा कि हमारी फिल्म बहुत जल्द से जल्द आ जाएगी और वो उसे देखें. चांस देना चाह रहा हूँ मैंने लोगों को, इसलिए चांस देना चाह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छे एक्टर अपने हिंदुस्तान में अच्छे अच्छे लोग पड़े हुए हैं लेकिन उनकी कदर नहीं है, उनके एक्टिंग का लोगों को पता नहीं है, उनकी कला लोग देख नहीं पा रहे हैं. तो मेरा मूवी में आना, फिल्म लाइन में आने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं एक अच्छी मूवी बनाऊँ और नए लोगों को चांस दूँ, लोगों की दुआएँ. रीजन तो मेरा सिर्फ यही हुआ क्योंकि हमारा काम तो मिडिल लाइन का और समाज सेवक का ही रहा है हमेशा में, लोगों की मदद करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है. एक फिल्म लेने का ऐसी चीज़ है, मैंने देखा इस लाइन में आने के बाद में पैसा तो हर आदमी कमाना चाहता है, पैसा कमाना तो कोई बुरी बात नहीं है, पैसे के साथ साथ में इसमें एक पब्लिसिटी, एक नाम मिलता है, एक इज्जत मिलती है. और मेन रीज़न ये है कि इसमें नए लोग जो भटके लोग हैं, जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर मुंबई जिस शहर में आते हैं, भटकते हैं, पैसा बर्बाद करते चले जाते हैं, जिनको कुछ नहीं कर पा रहे, तो मैं उनको चांस देना चाहता हूँ, नए लोगों को मैं चांस देना चाहता हूँ और उनको मैं तरक्की देखना चाहता हूँ. और दूसरी बात यह है कि मैं छोटे से शहर का हूँ, लखनऊ शहर का रहने वाला हूँ, तो मैं एक अपने शहर का हर आदमी चाहता नाम हो, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे लखनऊ शहर का मैं नाम करना चाहता हूँ कि कल को मुझे जब लोग बड़े पर्दे पे देखें तो लोग ये कहें कि नहीं को कोड़ आसिफ खान जो है मेरे गांव का है, मेरे मुल्क का है, मेरे यूपी का है, लोग गर्व से बोल सकें. सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुझे यूपी का नाम रोशन करने की कोई बड़ी बात नहीं है, नाम है ही है, काफ़ी नाम का पहले से रोशन है. मैं नाम करना चाहता हूँ, एक मेरी ब्रांडेड एक पहचान बनाना चाहता हूँ, एक लोग बोलना मांगता गर्व से, अरे यार मेरे गांव का है, मैं यूपी का नाम रोशन करना चाहता हूँ. आपके फिल्म में सिर्फ यूपी के लोग ही हैं या महाराष्ट्र के भी? नहीं नहीं, महाराष्ट्र से बड़े बड़े हमारे फिल्म में से मार्केट के लोग ही हैं. श्रद्धा कपूर जी हीरोइन है हमारी और आमिर खान सर हैं इसमें, जो हमारे गाने के शूट पर रहेंगे आमिर खान सर रहेंगे और संजय दत्त सर रहेंगे, ये हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं. इनके बल पर ही कहा जाए तो कह सकते हैं कि इनके बल पर हम पिक्चर बना रहे हैं और काफ़ी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, हमें काफ़ी मदद मिली है उनसे. वरना हम तो इस लाइन में नहीं है, हमारे घर खानदान में इस लाइन में कोई नहीं है, हमारी फैमिली में कोई नहीं है, हमारे परिवार में कोई नहीं है. हम अभी नए नए मार्केट में उतरे हैं और मीडिया के थ्रू कुछ करना चाहता हूँ, लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा काम करते शुरू से आया हूँ, लोगों की मदद करते आए, तो सारी मीडिया मुझे जानती है इस चीज़ के लिए. और ये इंटरव्यू का यही है कि मैं लोगों का, नए लोगों को चांस दूँ और लोगों की मदद करूँ. जो लोग घर के अंदर डांस कर रहे हैं, घर के अंदर एक्टिंग कर रहे हैं, जिनकी कला है एक्टिंग लेकिन कोई कदर नहीं है, मैं उन लोगों को पर्दे पे लाना चाहता हूँ. मैं लोगों की एक्टिंग, लोगों की जो कला है, लोगों को दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ और लोगों की मदद करना चाहता हूँ. ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी न्यूज. तर या होत्या इंडिया टीव्ही न्यूज. तुम्हाला आमच्याशी संपर्क साधायचा असल्यास स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधू शकता. 9320420420, 9388420420. तर आता वेळ झाली निरोप घेण्याची. नमस्कार.